हेलो दोस्तों, आज हमारा जो है नया टॉपिक्स अलजेब्रा बीजगणित लेकर आए हैं। और इसमें हम लोग सीखेंगे भाग कैसे देते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल तरीके से भाग को कैसे दिया जाता है। आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा भाग कैसे दिया जाता है, हाँ, मगर आज हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल तरीके से भाग यानी ज्यामिति तरीके से अलजेब्रा में सीखेंगे कैसे दिया जाता है। तो इसमें कुछ नियम है, उसको जानना होगा, जानेंगे तभी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं और हम एक छोटा क्वेश्चन लिए हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारे के सारे क्वेश्चन, ताकि कोई भी आपको बीजगणित में अगर भाग आ जाए तो आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए 8x² YZ में 2xy से भाग देना है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि जिस प्रकार मैथमेटिक्स में हम लोग भाग देते हैं, उसी प्रकार जो है बीजगणित यानी अलजेब्रा में भी भाग हम लोग देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा है, ये इसको तो दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहले हम सबसे सिंपल तरीके से हल करेंगे, जैसे हम लोग भाग देते हैं सेम उसी प्रकार से देंगे। देखिए 8x² YZ में भाग कितने से देना है, 2xy से। ओके, अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें एक पद है, ठीक है, इसमें भी एक पद है, मगर इस क्वेश्चन में दो पद हैं, इसमें तीन पद हैं, इसमें देखिए चार या पांच, पांच पद हैं। तो इस प्रकार से है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सबसे सिंपल है ताकि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने लिया हूँ। तो देखिए 2xy है और इधर 8x² YZ, यानी एक पद ये है और एक ही पद से हम भाग दे रहे हैं। तो हम बस ये देखते हैं कि हमारा पहला जो पद है उसे हम किसी तरीके से कट हो जाना चाहिए, यानी कट जाना चाहिए। तो देखिए जिस प्रकार अंकगणित में भाग देते हैं उसी प्रकार बीजगणित में भी भाग देंगे। तो देखिए दो है यहाँ पर बाहर में, अंदर में आठ है, तो कितनी बार ले जाए कि आठ आ जाए, तो 2 चौके 8, चार बार ले जाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ यक्स है, मगर यहाँ पर क्या है, x² है। तो अब यहाँ पर x^1 माना जाता है, और कितनी बार ले जाए कि x², तो x बार ले जाएंगे, तो इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। मगर देखिए यहाँ वाई है, तो वाई तो पहले से है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ले जाने की जरूरत, मगर यहाँ जेड है तो हम क्या करेंगे, जेड बार ले जाएंगे। अब जो बार ले जाते हैं, ठीक है, जो हमारा ये भागफल आया, और ये जो हमारा क्या है, भाजक है, जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है, जो हमारा भाग देने के बाद आता है वो हमारा क्या होता है, भागफल होता है। तो फार्मूला आप यहाँ पर देख रहे हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भाजक और भागफल का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, भाज्य आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर भाज्य आ जाता है तो हम समझ लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, यानी उत्तर की जांच हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम जो ले गए उसी को मल्टीप्लीकेशन करके चेक करते हैं कि 2xy में 4xz का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखिए 4 × 8 हो जाएगा, एक्स में एक्स का करेंगे तो x² हो जाएगा, वाई है तो वाई आ जाएगा, जेड है तो जेड, यानी 8x² YZ जो आ गया यही भी यहाँ पर लिख देंगे, 8x² YZ। अब देखिए भाग में क्या होता है कि अगर प्लस का चिन्ह है तो वहाँ माइनस हो जाता है, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके पहले जो है प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह अगर रहता है तो उसे लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और जब प्लस और माइनस होता है तो क्या होता है, घट जाता है, और घटेगा तो समान संख्या है तो जीरो होगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो काट देते हैं या तो जीरो लिख देते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को आप रोक करके सॉल्व करें कॉपी में, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 15x² YQ में भाग कितने से देना है, 3x² YQ से। अब इसमें देखना है जिस प्रकार हमने बताया, बार बार बता रहा हूँ, अंकगणित में लगाते हैं उसी प्रकार बीजगणित में भी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ 15 है, तो 3 × 5 = 15, 5 बार गया
अब देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं ले जाने की जरूरत है। अब वाई स्क्वायर है यहाँ, वाई क्यूब है तो हम कितना बार ले जाएंगे, वाई क्यूब आ जाएगा 5y। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिए तो देखिए 5 × 15 एक्स बार एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर है यहाँ वाई है तो गुणा होगा, गुणा में घात जुड़ जाता है तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखिए समान संख्या है और यहाँ धन का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, ऋण का चिन्ह हो जाएगा। अब ये क्या कट जाएगा, या तो जीरो लिख सकते हैं या तो इसे कट कर सकते हैं, यानी इसका मान जीरो, शेषफल हमारा जीरो आ जाएगा। तो हमारा भागफल कितना आया, 5y। अगर आप चाहते हैं कि मेरा उत्तर सही है या नहीं सही है, उत्तर की जांच कर सकते हैं। जिस प्रकार आप मैथमेटिक्स में आप उत्तर की जांच करते हैं, उसी प्रकार बीजगणित में भी उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो हमारा भाजक है और जो हमारा भागफल है उसको और इसको गुणा करेंगे, और हमारा जो भाज्य है अंदर का अगर वो आ जाता है तो जान लेते हैं हमारा उत्तर सही है, यानी क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है वो सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है, देखिएगा। 16x² - 8x³ में भाग कितने से देना है, 4x से। अब इसमें ये देखना है कि सबसे पहले पद को हमें काटना है, किसी भी तरीके से हो जाए हमें पहला पद को काटना है। पहला पद अगर काट लेते हैं तो आपका क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। तो सबसे पहला चीज़ बीजगणित में ये देखना है कि पहला अंक जो है हमारा कट जाना चाहिए किसी तरीके से। तो कैसे कटेगा तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए 4x है, यहाँ 16x² है, तो कितनी बार ले जाएँ, 4 × 16 बार ले जाएंगे तो 16 आ जाएगा, मगर यहाँ x है, यहाँ x² है, तो और x बार ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए 4 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 आएगा, और x में x का गुणा करेंगे तो x^1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो गुणा में घात जुड़ जाता है तो कितना आ जाएगा, 16x². अब देखिए यहाँ धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण, और ये देखिए समान संख्या है, घटेगा प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग काट देते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस चिन्ह उतारेंगे, और संख्या कितनी उतरेगी, 8x³। अब ये ध्यान देना है यहाँ पर, अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस बार ले जाएंगे, अगर प्लस होता तो प्लस ले जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, ये थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन यहाँ नहीं रखनी है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ले जाना है, प्लस होगा तो प्लस ले जाते हैं। अब देखिए 8 है, यहाँ 4 है, तो 4 × 8 दो बार जाएगा। अब देखिए x है, यहाँ x³ है, तो कितना बार ले जाएगी, x³ हो जाएंगे, x² बार ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए -2x² - 4x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 8, यानी चिन्ह किसका आएगा, ऋण का, 8x³। अब देखिए ऋण है, हमने बताया जहाँ धन होगा वहाँ ऋण होगा, और जहाँ ऋण है वहाँ धन हो जाएगा। अब ये समान संख्या है, घटेगा प्लस माइनस जीरो, इसलिए हम लोग काट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, भागफल आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है नहीं सही है, उत्तर की जाँच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए जो हमारा भागफल है और जो हमारा भाजक है इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलिए करके देखते हैं कि उत्तर सही है या गलत है। जब आप सीख जाएंगे तो आपको उत्तर की जांच करने की उतना आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगर कहीं प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद उत्तर की जाँच कर लीजिए तो आपको कन्फर्म क्लियर हो जाएगा। अब भाजक को गुणा कर देंगे 4x का, करके देखते हैं कि आता है नहीं ये भाजक हमारा, वो भाजक तो 4 × 16x², क्योंकि x यहाँ है, x यहाँ, एक घात इसमें, एक घात इसमें माना जाता है, तो x² हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो चिन्ह किसका होगा, माइनस का गुणा में, तो 4 × 8, x² कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये देखिए हमारा गुणा हो चुका, तो आप देखते हैं अंदर में आया कि नहीं जो हमारा भाज्य था जिससे हम भाग देते हैं, तो ये हमारा 16x² - 8x³ ये हमारा आ चुका है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, 100% सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है x³ + 4x² + 4x में भाग कितने से देना है, x से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 पद हैं, 1, 2, 3 पद हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले मैंने बताया कि पहले पद को काटना होता है, तो पहला पद अगर हमारा यहाँ x है तो यहाँ पर x³ है, तो कितनी बार ले जाएं कि x³ आ जाए, तो x² बार अगर ले जाएंगे तो x³ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा,
इसका मतलब ये कट जाएगा, ठीक है, या यहाँ पर जीरो कर दीजिए या कट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस, अब देखिए प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर। अभी हम आपको बताया कि अगर प्लस होगा तो प्लस बार जाएगा, माइनस होगा तो माइनस बार जाएगा। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। देखिए यहाँ पर एक माना जाता है, ठीक है, लिखा नहीं जाता है। तो अभी हम कितना बार ले जाएंगे, चार आया था चार बार ले जाएंगे, यक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो कितना बार ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स बार। हाँ, अब चार एक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, चार यक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना उतरेगा, प्लस है तो प्लस बार जाएगा, ये ध्यान देना है चिन्ह का। अब फोर एक्स आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चार है, यहाँ पर एक है, तो चार एक कम चार, चार बार गया। अब यक्स पहले से है तो यक्स बार नहीं ले जाएंगे, तो अब गुणा करेंगे तो चार यक्स आ जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। हमारा कितना आ गया, हमारा भागफल एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। अगर आपको उत्तर जांच करना है कि सही है कि नहीं, तो आपको भाजक, भागफल और भाजक का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और जो अंदर का है अगर ये आ जाता है भाज्य, तो आप जान लीजिए हमारा क्वेश्चन सही है। चलिए हम फाइव नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, टू वाई घाते फोर प्लस आठ वाई घाते तीन प्लस सेवन वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस थ्री। इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे कितने से, वाई प्लस थ्री से। देखिए अब इसमें दो संख्या हो गई, ठीक है, और इसमें कई पद हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताएं कि पहला जो हमारा पद होगा उसको किसी भी तरीके कट करना है, यानी काट देना है। तो देखिए यहाँ पर y प्लस थ्री है, यहाँ टू वाई घाते फोर, हमको इसी पर ज़्यादा फोकस करना है। तो अब देखें यहाँ y है, यहाँ टू वाई घाते फोर, तो हम कितना बार ले जाएंगे, टू आ जाए तो दो बार ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक माना जाता है, तो दो एक कम दो। y है और यहाँ y घाते फोर, तो यहाँ पर कितना ले जाएंगे, y घाते तीन ले जाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, y घाते फोर। अब जो हम भागफल ले गए वही भागफल का गुणा भाजक में होगा, तो चलिए हम गुणा कर देते हैं, कितना वाई प्लस थ्री में टू वाई क्यूब का गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, टू वाई घाते फोर प्लस तीन दूना छः वाई घाते तीन, यही जो आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब देखिए जो आपका पावर है, अब पावर और पावर या जो संख्या सेम है उसी संख्या के सामने लिखना होगा। अब देखिए टू वाई घाते फोर और प्लस सिक्स वाई घाते तीन, तो जहाँ पर मिलेगा उसी के नीचे लिखेगा लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर छः वाई घाते दो आ जाता है तो आपको यहाँ नहीं लिखना होता है, या अंकगणित नहीं है, या बीज गणित है, तो थोड़ा सा चेंजिंग है। तो जिस जाति का होगा, यानी जो सेम जाति का होगा उसी जाति के नीचे लिखा जाता है, एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ पर मिलेगा उसी संख्या के नीचे उसका लिखा जाएगा, आगे क्या होगा वो बाद में आप समझेंगे, तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। तो आ गया कितना, टू वाई घाते फोर प्लस सिक्स वाई घाते तीन, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, और इसे घटा देंगे। देखिए प्लस माइनस है तो घटेगा, तो आठ में से छः का कितना आ जाएगा, दो वाई घाते तीन आ जाएगा। चिन्ह किसका होगा, क्योंकि ज़्यादा वाला संख्या से हम घटाते हैं और ज़्यादा वाला संख्या हमारा प्लस है तो हमारा प्लस होगा, तो प्लस हम लिखेंगे नहीं। अब हम देखते हैं कौन सी संख्या उतरेगी, प्लस सेवन वाई घाते दो उतरेगा। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। देखिए अब यहाँ धन था, ठीक है, यहाँ पर धन आया है तो हम क्या करेंगे, धन ही ले जाएंगे। अब देखते हैं कि इस संख्या को पहले संख्या को काटना है। जब अगर आपकी एक संख्या कट जाती है तो फिर अगला वाला जो है पहले ही संख्या पर ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि अगर वो कटेगा तभी हमारा आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वाई प्लस थ्री, यहाँ पर टू वाई घाते तीन, तो देखिए कितनी बार ले जाएँ कि टू वाई घाते तीन आ जाए, तो टू वाई स्क्वायर अगर ले जाते हैं तो हमारा वाई घाते तीन हो जाएगा। तो गुणा कर कितना आ जाएगा, टू वाई घाते थ्री प्लस तीन दूना छः वाई घाते टू। अब देखिए वाई घाते टू है, यहाँ पर वाई घाते टू अगर सेम मिल रहा है तभी हम यहाँ पर लिखेंगे, इससे नहीं मतलब है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं मतलब, मगर ये चीज़ आपका सेम होना चाहिए तभी आप उसके नीचे लिखेंगे। तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। ये देखिए घटेगा, सात में से छः का एक, तो एक नहीं लिखा जाएगा, वाई घाते दो। चिन्ह किसका होगा, धन का होगा, क्योंकि ज़्यादा वाला संख्या है। अब कौन सी संख्या उतरेगी, फोर वाई, ठीक है। तो अब कितनी बार ले जाएं, तो देखिए वाई यहाँ पर है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम वाई बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई घाते टू प्लस थ्री वाई,
अब देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब यहाँ कितना आ जाएगा, चार में से तीन गया एक, यानी वाई आएगा। अब देखिए कौन सी संख्या उतरेगी, वाई प्लस तीन, तीन उतर गया। अब देखते हैं वाई प्लस तीन, वाई प्लस तीन सेम है तो हम क्या करेंगे, एक बार ले जाएंगे तो वाई प्लस तीन आ जाएगा। और यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये संख्या कट जाएगी, ये संख्या कट जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा भाजक, ये हमारा क्या आ गया भाजक आ गया। अब अगर हम उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए भाजक और भाजक और भागफल का जो है गुणा करेंगे तो हमारा अगर भाज्य आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, यानी उत्तर की जांच, उत्तर की जांच हम कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। तो टू वाई घातक तीन प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वाई प्लस थ्री से गुणा कर देंगे, करके देखते हैं। तो टू वाई घाते फोर प्लस टू वाई घाते तीन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है आगे। अब हम इसको गुणा करेंगे तो तीन दुना छः वाई घाते तीन, देखिए जहाँ सेम है वहीं सेम संख्या सामने मिलाएंगे, तीन दुना छः वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस छः वाई और प्लस तीन। अब इसे जोड़ देंगे तो टू वाई घाते फोर प्लस आठ वाई घाते तीन प्लस सात वाई घाते दो, ठीक है, प्लस छः वाई और प्लस तीन। तो ये देखिए हमारा सेम सेम आ गया, यानी जो हमारा भाज्य था वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस अलजेब्रा यानी बीजगणित के भाग को सीख गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि और भी जो ट्रेनिज हैं और भी बच्चे हैं स्टूडेंट हैं वो सीख पाएँ। धन्यवाद।